तो दोस्तों रिले जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विचिंग कंपोनेंट है, इसे सर्किट्स में यूज़ करते हैं स्विचिंग के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये अलग अलग प्रकार के रिलेज हैं और ये रिले बोर्ड्स हैं, इस तरह रिले का उपयोग होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे रिले क्या होता है, वो किस प्रकार काम करता है और उसके अलग अलग प्रकार। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो इस पे लिखा है 7 एम्पियर 14 वोल्ट डीसी, इसका मतलब है ये 14 वोल्ट डीसी पे 7 एम्पियर का करंट पास कर सकता है मैक्सिमम, और 250 वोल्ट एसी पे 7.5 एम्पियर का। ये जो है रिले के पार्ट्स हैं, इसमें स्प्रिंग, आर्मेचर, एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट को सप्लाई मिलता है वो आर्मेचर को अपनी तरफ खींचता है और इससे स्विचिंग होता है। ये हम इस डायग्राम से देखेंगे। ये जो है एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स है और कॉइल है। जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये आर्मेचर को अपनी तरफ खींचता है और इस प्रकार से एन और एनसी यानी नॉर्मली कनेक्टेड नॉर्मली ओपन इनके बीच स्विचिंग होता है। काफ़ी सिंपल है। ये जो रिले मैंने हाथ में पकड़ा है इसमें आप देख सकते हो कि डायग्राम के हिसाब से ये दोनों पिन्स, ये जो है ये पावर पिन्स है और ये दोनों एन और एनसी है और जो बीच की पिन है वो कॉमन पिन है। सो यही चीज़ हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जब आप लोड या बल्ब कनेक्ट करते हो इस प्रकार से स्विचिंग होता है बल्ब्स के बीच में। तो अब हम देखेंगे रिले के प्रकार, बट उससे पहले मैं एक कॉमन क्वेरी यानी कि एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा जो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि रिले की प्राइस क्या होती है और कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे। तो ये एक वेबसाइट में बता दूंगा आपको, ये neonexpress.com पे आप चले जाओ और यहाँ पे आप जैसे ही इंडिया सेलेक्ट करोगे आप काफ़ी सस्ते में रिलेज बाय कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी है। सो अब हम देखेंगे रिले के प्रकार। सो ये तीन प्रकार है, SPST यानी सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो और डबल पोल डबल थ्रो। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल पोल सिंगल थ्रो। इसमें एक ही पोल होता है और जैसे ही कॉइल चार्ज होगा या कॉइल को सप्लाई मिलेगी यहाँ पे स्विचिंग होगा, यहाँ पे आप एक लोड लगा सकते हो। यह है SPDT यानी सिंगल पोल डबल थ्रो। यहाँ पे दो पोल्स होते हैं और यहाँ पे आप दो लोड कनेक्ट कर सकते हो यानी दो बल्ब यहाँ पे जल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे DPDT यानी ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो। सो इस तरह से जो है ड्यूअल पोल ड्यूअल थ्रो, यहाँ पे दो आर्मेचर होते हैं और यहाँ पे दो NONC होते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया और ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए। थैंक यू।